खबर का बड़ा असर होता हुआ नजर आया है। आरंग में ही रहेगी प्राचीन जैन तीर्थंकर की मूर्ति। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंच से किया ऐलान, आरंग में 25 लाख से बनेगा संग्रहालय। बृजमोहन अग्रवाल राजा मौर ध्वज महोत्सव के लिए सालाना 5 लाख देने की घोषणा विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने की थी। मूर्ति को आरंग में रखने की मांग और मंत्री बृजमोहन ने आरंग की जन भावना को रखा ध्यान, गुरु खुशवंत साहेब ने यह बात कही। जनता ने न्यूज 24 का आभार भी जताया है। यह बड़ी जानकारी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से उठाया था। यह मामला पूरा मूर्ति को तत्कालीन कलेक्टर ने जैन समाज को सौंपने का दिया था आदेश। आदेश पर आरंग की जनता ने विरोध जताया था उस पर। तो न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर, जनता ने न्यूज 24 की खबर का आभार भी व्यक्त किया। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से यह पूरा मामला उठाया था। आरंग में ही रहेगी प्राचीन जैन। मंत्री बृजमोहन ने आरंग की जनभावना को ध्यान में रखा, साथ ही जनता ने न्यूज 24 का आभार भी जताया। आरंग नगरवासी मन के मांग रही कि यहाँ जो भी प्राचीन मूर्ति निकलत वो यहीं स्थापित हो, यहीं संग्रहालय बने और यहीं पे रखे जाए। माननीय मंत्री जी बोला आरंग के मांग ला देखी और वो घोषणा करी कि अभी तो जो मूर्ति निकले है जो जिला जैन मंदिर में ले जाए यात्री से, बोला अभी तो यहीं रही। मंच के माध्यम से हमारे संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मांग की है कि आरंग में जो भी मूर्तियाँ मिल रही है या खुदाई में जो भी पुरातत्व विभाग की वस्तुएं मिलती है उसके संरक्षण के लिए यहाँ एक संग्रहालय की मांग की है। और साथ ही वर्तमान में जो जैन मूर्ति मिली है उसको भी जैन समाज को सुपुर्द करने से रोकने के लिए हमारे बृजमोहन जी से निवेदन किए, जिसे बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे संस्कृति मंत्री ने तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए यहीं रखने का निर्णय लिया। पुरध्वज महोत्सव के अवसर पे बृजमोहन अग्रवाल जी ने हमारे यहाँ आरंग से मिली प्राचीन मूर्ति, प्राचीन दुर्लभ जैन प्रतिमा 2.5 वर्ष पहले जो मिला था, जिसे रायपुर कलेक्टर ने डोंगरगढ़ में स्थापित करने की बात कही थी। लगातार हमारे हम लोगों ने प्रयास किया कि वो हमारे आरंग में ही रहे, आरंग की धरोहर, इस धरोहर आरंग में ही रहे। बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे नगर में जो प्राचीन मूर्ति मिलते बोला संरक्षित रखेगा। कल बृजमोहन अग्रवाल जी माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहब जी के प्रयास से और लगातार न्यूज 24 के प्रयास से जो हम अल्लाह संग्रहालय के आरंग के अंदर घोषणा करी से भय माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी है ऊपर दिए। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझाते हैं। आरंग में मिली थी जैन तीर्थकर की प्राचीन प्रतिमा। सितंबर 2021 में मिली थी जैन तीर्थकर की प्रतिमा। अंधियार खोप तालाब में गहरीकरण के दौरान ये मूर्ति मिली थी। नगरवासियों ने मूर्ति को भांड देवल मंदिर में सुरक्षित रखा। प्रतिमा को जैन समाज को सौंपने का दबाव था। कलेक्टर ने मूर्ति को जैन समाज को सौंपने का आदेश भी जारी किया। कलेक्टर के आदेश का आरंग के लोगों ने विरोध किया जमकर। स्थानीय लोग 1878 के अधिनियम का हवाला दिया उन्होंने। नागरिकों की बिना सहमति मूर्ति ले जाने कर रहे थे विरोध। साथ ही मूर्ति को आरंग में ही संरक्षित करने के लिए ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे और न्यूज 24 का यह असर होता हुआ।